हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लर्न आरपीएससी के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जो आरपीएससी द्वारा जो सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 30 तारीख को, जो पहली शिफ्ट थी दोस्तों 10 से 12 बजे के बीच में, इसके अंतर्गत ये पेपर था। तो हम इसमें देखेंगे कि साइकोलॉजी के क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो साइकोलॉजी देखिए दोस्तों, अगर कोई भी साथी शिक्षक की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये क्वेश्चन साइकोलॉजी के अंदर उसके लिए कामगर साबित हो सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर साथी चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों कि पेपर में कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज से स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 58 से हैं दोस्तों। देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन था 58 नंबर का। अच्छे से इसको रीड कर लेते हैं एक बार, फिर इसका हम आंसर देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है। दोस्तों आपको ऐसे गोला जरूर करना है, कभी एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि नहीं है, तो इसका भी आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है, ये विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। बिल्कुल दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की ये परिभाषा एकदम सही है। ये शिक्षकों में शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करता है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये शिक्षकों के लिए भी शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व में ये एकदम सही परिभाषित करता है। ये शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। दोस्तों इसमें यह नेगेटिव आ गया दोस्तों, नज़रअंदाज। देखिए अब देखिए चौथा क्या है स्टेटमेंट, यह शिक्षकों को स्वयं को समझने में मदद करता है। तो दोस्तों शिक्षा मनोविज्ञान का यही काम है दोस्तों, खुद को और विद्यार्थियों को समझाने में ये मदद करता है। तो दोस्तों इसके अंदर ए बी और डी ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 ए बी डी, जबकि इसका नज़रअंदाज ये इसका नेगेटिव पॉइंट हो गया, तो डी वाला ऐसे ही कैंसिल हो गया ये दो। तो बचता कौन सा है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों यही आपका तरीका होना चाहिए परीक्षा में क्वेश्चन हल करने का, आप एक एक स्टेटमेंट को ध्यान लगा के पढ़ना। आपको देखिए, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है। देखिए दोस्तों इसमें क्या आ गया, नहीं है, तो आपको बताना है कि इसमें रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करता है। तो देखिए दर्शन शास्त्र, ऑप्शन सेकंड पढ़ लेते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। तो बिल्कुल मानव व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र रहा है। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति में मानव व्यवहार का अध्ययन करती है। बिल्कुल ये भी एकदम सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है। तो ये भी एकदम सही है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र नहीं माना जाता है। तो दोस्तों पहले के ज़माने में दर्शन शास्त्र माना जाता था, पर अब इसे दर्शन का नाम मानकर व्यवहार का मनोविज्ञान मानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों गुणसाठ के अंदर आपने क्या पूछा था कि नहीं है, तो नहीं के अंदर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अपना एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जीके का क्वेश्चन आ गया, इसे हम बाद में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है, देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जीन प्याजे का। जीन प्याजे का हर बार एक आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, तो आप जीन प्याजे को एकदम अच्छे से देख के जाइएगा कोई भी एग्जाम हो शिक्षक का, ठीक है। जीन प्याजे संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं या क्रियाओं में प्रतिवर्त्यता को समझने लगता है। दोस्तों प्रतिवर्त्यता इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, विपरीत क्रिया। अब देखिए इसमें कौन सी अवस्था, दोस्तों जीन प्याजे ने चार अवस्था बताई थी, देख लेते हैं वो चार अवस्था कौन कौन सी हैं। दोस्तों पहली अवस्था थी दोस्तों कौन सी, संवेदी पेशीय अवस्था। ये दोस्तों 0 से 2 वर्ष के बीच में ये अवस्था दी थी। अब देखिए सेकेंड नंबर की अवस्था दी दोस्तों क्या है, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी, प्राक संक्रियात्मक अवस्था। और तीसरी दी दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जबकि चौथी धीर थी दोस्तों कौन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था देखिए दोस्तों, इसके अंदर ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ना, इसके अंदर बालक है ना क्या, इसमें विपरीतता का गुण पाया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है कि बालक को अगर देर 8+8 कितना होता है दोस्तों, 16 होता है, तो वो ये भी बता देगा कि 16+2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इसे ही बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। देखिए अगर मैथ्स के अंदर समझे, a+b² का अगर फॉर्मूला दें और ये बता दे a² + b² + 2ab, ठीक है, अगर अब ये रिवर्सिबिलिटी क्या, अगर ये दे और ये बता दे तो ये क्या है, रिवर्सिबिलिटी। ये पाई जाती है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगर प्रतिवर्त्यता की मतलब अभाव कहाँ पाया जाता है दोस्तों, अभाव पाया जाता है इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंदर। तो दोस्तों यह होता है ये क्वेश्चन पूरा, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए कोहलबर्ग, कोहलबर्ग भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हर बार इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो साथियों कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत अनुसार परंपरागत नैतिकता कौन सी दोस्तों, परंपरागत नैतिकता जो दी थी दोस्तों, कौन सी इसकी दूसरी अवस्था थी, अंतर्गत अपने नैतिक अवस्था का सही कूट का चयन कीजिए। दोस्तों जो कोहलबर्ग हैं नैतिक विकास की 3 स्तर बताए थे दोस्तों, कौन कौन सा, पहला था प्री कन्वेंशनल स्टेज और दूसरा था दोस्तों कौन सा, कन्वेंशनल स्टेज और तीसरी थी दोस्तों पोस्ट कन्वेंशनल। इसके अंदर देखिए प्री कन्वेंशनल के अंदर दोस्तों इसने दो अवस्था बताई थी, कौन कौन सी, एक तो आज्ञा एवं दंड की अवस्था और दूसरी थी दोस्तों कौन सी, सापेक्ष साधन की अवस्था, कौन सी, सापेक्ष साधन की अवस्था। और तीसरे के अंदर दोस्तों दूसरे में थी कन्वेंशन, इसमें थी दोस्तों कौन सी, इसमें भी दो थी, अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की, पहली थी अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, दूसरी थी दोस्तों कौन सी, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, दूसरी कौन थी, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। हर स्टेज में इसने दो दो अवस्थाएं दी और पोस्ट कन्वेंशनल में दी थी दोस्तों सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरी थी दोस्तों आंतरिक विवेक की अवस्था। देखिए अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों, परंपरागत स्टेज यानी कि कन्वेंशनल स्टेज में दोस्तों अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की, देखिए अच्छा लड़का एवं अच्छी लड़की इसमें क्या है कि व्यक्ति अंतर्व्यक्तिक संबंध के आधार पर नैतिकता का व्यवहार करता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है, देखिए अच्छा लड़का अच्छी लड़की किसमें, अंतर्व्यक्तिक संबंध, जबकि सामाजिक अनुबंधन किसमें आ जाएगा दोस्तों, सामाजिक अनुबंधन इसमें आ जाएगा दोस्तों पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर सामाजिक समझौते की अवस्था। दंड एवं आज्ञाकारिता किसमें आ जाएगी दोस्तों, प्री कन्वेंशनल के अंदर। दोस्तों ये गलत हो गया। सार्वत्रिक नीति सिद्धांत दोस्तों ये भी आता किसमें, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज के अंदर। तो हमारा ऑप्शन सी यानी कि जिसमें अंदर केवल सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए ऑप्शन 3 में क्या है, केवल सी इसका सही आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 63। इसके अंदर देखिए अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए विकास से संबंधित क्वेश्चन पूछा है विकास एवं अभिवृद्धि, सेकंड ग्रेड के लिए यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए विकास पूर्वानुमानित होता है, बिल्कुल दोस्तों विकास में भविष्यवाणी संभव है, जबकि विकास अंश से संपूर्ण की ओर बढ़ता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, विकास संपूर्ण से अंश की तरफ बढ़ता है, ठीक है। विकास रेखीय पथ की तरफ आगे बढ़ता है, ये भी गलत है दोस्तों। विकास होता है ना जो क्या होता है, स्पाइरल होता है, आपको ये पता होना चाहिए। विकास का सभी आयाम दोस्तों विकास क्या होता है दोस्तों, सभी का अंतर संबंधित होता है। तो ए और डी ऑप्शन एकदम सही है इसके, जिसके अंदर ए और डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 में ये दे रखा है ए और डी, ये क्या हो गया इसका सही आंसर हो गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने अगला सवाल है दोस्तों, देखिए अल्बर्ट बांडूरा क्या कहना चाह रहे हैं। अल्बर्ट बांडूरा ने दिया था दोस्तों बेबी डॉल का सिद्धांत दिया था। देखिए, लोग बार 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 दंड प्राप्त करने वाले मॉडल, इसने किया दी थी दोस्तों मॉडल थ्योरी, किस पर दी थी दोस्तों, बेबी डॉल के ऊपर। इसकी गुड़िया का नाम क्या था दोस्तों, बेबी डॉल। लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल के बजाय उस मॉडल को चुनना अधिक पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण है। निम्नलिखित में से अवलोकन अधिगम में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है दोस्तों, अल्बर्ट बांडूरा ने दी थी। देखिए, सेकंड पेपर में ये इसका पूछा था दोस्तों, इसका क्रम पूछ लिया था। पहले तो आता दोस्तों अटेंशन, फिर रिटेंशन, फिर प्रोडक्शन, फिर मोटिवेशन। ये क्वेश्चन सेकंड पारी में पूछ लिया गया था दोस्तों, जिसका इसका क्रम पूछा था। इसके अंदर ये पूछा दोस्तों कि अच्छे परिणाम और चुनना और पसंद करना। देखिए, इसमें सही हो जाएगा दोस्तों अवधारणात्मक, यानी कि जिसमें ये चुनना होता ना दोस्तों, उसमें क्या आता दोस्तों, अवधारणात्मक यानी कि अटेंशन। तो इसका सही आंसर एकदम अटेंशन, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है, 65 के अंदर देखें तो अधिगम का केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं। देखिए, अधिगमकर्ता अपने ज्ञान का निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल दोस्तों, ये संज्ञानात्मक अधिगम का एकदम सही है दोस्तों। इसमें क्या है, बच्चे एकदम सक्रिय रहते हैं। देखिए, सेकंड नंबर क्या है, ज्ञान का निर्माण करने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। बिल्कुल दोस्तों, जो संरचनावाद अधिगम दिया गया था दोस्तों, उसमें क्या है कि सामाजिक अंतर्क्रिया महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अधिगम के लिए दोस्तों सामाजिक अधिगम, यानी कि समाज में जो बच्चा रहकर अपने अधिगम का निर्माण करता है, उसमें सामाजिक अंतर्क्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसमें ए और बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ए और बी दोनों अधिगम के लिए दोनों आवश्यक कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी अधिगम से संबंधित है। क्या है, अधिगम की विशेषता नहीं है, आपको ये बताना। आपको ऐसा गोला जरूर लगाना है, नहीं है, हैं, कभी कभी एग्जाम में यही पूछा जाता है। देखिए दोस्तों, अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण अभिक्रिया है, उद्देश्यपूर्ण होता है। बिल्कुल, अधिगम के लिए उद्देश्य का होना बहुत ज़रूरी है, तभी अधिगम सही से हो पाएगा। अधिगम का मापन एवं निष्पादन के आधार पर होता है। बिल्कुल, ये भी सही है और ये भी सही है। अधिगम में नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है। दोस्तों, अधिगम किसी नई चीज़ के सीखने के लिए और पुरानी चीज़ों का वापस परिमार्जन यानी कि याद करने के लिए अधिगम बहुत किया जाता है। अब देखिए, थकान और परिपक्वता इत्यादि आने वाले परिवर्तन अधिगम में। दोस्तों, थकान के कारण आया हुआ अधिगम वो अधिगम नहीं कहलाता है। देखिए, गेट्स की परिभाषा दोस्तों क्या है कि प्रशिक्षण एवं अनुभव के कारण व्यवहार में परिवर्तन। जो प्रशिक्षण और अनुभव के कारण हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन आता है वो अधिगम होता है। देखिए दोस्तों, थकान या फिर शराब के सेवन में भी, शराब का सेवन करने से भी हमारे अधिगम में परिवर्तन आता है, तो दोस्तों वो प्रशिक्षण के द्वारा नहीं आता है, तो वो अधिगम नहीं होता है। तो इसका ये गलत स्टेटमेंट ये हो गया, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला सवाल क्या है कि व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति परीक्षण, यानी कि परिस्थिति परीक्षण, यह आपको देखना है कौन सा का उदाहरण नहीं है। देखिए दोस्तों, समाजमिति, साइकोड्रामा, सैन्य स्थिति परीक्षण और क्या है, मिपी, यानी कि MPI। दोस्तों देखिए, समाजमिति और साइकोड्रामा, ये दोनों दोस्तों किसी को कंडीशन दे दी जाती है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। जबकि सैन्य स्थिति परीक्षण, इसके नाम में भी क्या है दोस्तों, स्थिति है, तो ये किसके लिए कर रहे हैं दोस्तों, स्थिति परीक्षण के लिए। दोस्तों मिपी दोस्तों व्यक्तित्व का मापन करती है, ना कि स्थिति का मापन करती है। तो इसका हमें यही पूछा था कौन सा उदाहरण नहीं है, तो मिपी इसका, MMPI ये इसका नहीं हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 68 बहुत अच्छा है, समायोजन से संबंधित है। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन में सफल उपलब्धियों के बारे में बताता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है। दोस्तों एक आप पढ़ते हैं दोस्तों, प्रतिगमन। प्रतिगमन में क्या होता है दोस्तों, आदमी पीछे की ओर लौटता है, पीछे की ओर
लौटना, तो वो को क्या होता है दोस्तों, प्रतिगमन होता है। देखिए और क्या है दोस्तों, आदमी बुढ़ापे के अंदर दोस्तों बच्चे वाली हरकत करता है, और बड़ा आदमी दोस्तों घुटने के बल चलता है। तो ये क्या है दोस्तों, प्रतिगमन के उदाहरण है सारे। तो इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रतिगमन। अब देखिए दोस्तों 69 के अंदर क्या है, आपको मिलान करना है। देखिए पास एलंग परीक्षण ये दिया जाता है दोस्तों एलेक्जेंडर के, और संस्कृति मुक्त परीक्षण केटल के द्वारा, सम्मिलन सिद्धांत जजों के द्वारा, और आईक्यू की अवधारणा सबसे पहले देने वाले थे दोस्तों ट्रमन। इस तरीके से ये क्वेश्चन पूरा होता है। 69 नंबर देखिए, मिलान कर लीजिए आप, एक का दो, ये दो, ये दो, ये गलत, ये गलत, दो का तीन, दो का तीन, तीन का चार, ये ऑप्शन दो नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, कार्ल जंग, जंग ने दोस्तों व्यक्तित्व के दो प्रकार बताए थे, एक तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी, और तीसरा दिया था दोस्तों कौन सा, उभयमुखी। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यक्तित्व के टाइपोलॉजी प्रतिरूप विज्ञान में समाज सेवी, राजनीतिज्ञ और व्यवहार प्रबंध निम्न में से श्रेणीबद्ध। देखिए दोस्तों जो राजनेता होते हैं और राजनीतिज्ञ और समाजवी समाज सेवी, इनके अंदर दोस्तों बहिर्मुखी व्यक्तित्व पाया जाता है, कौन सा, बहिर्मुखी। बहुत ईजी क्वेश्चन था, 70 नंबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, बहिर्मुखी। क्वेश्चन नंबर 71, एक व्यक्ति स्वयं को समझने, प्रभावी रूप से जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गार्डनर के अनुसार व्यक्ति में निम्नलिखित में से किस फ्रेम ऑफ यानी मन रूपरेखा रखता है दोस्तों, स्वयं अपने को समझने में दोस्तों, जब स्वयं शब्द आ जाता है दोस्तों इंग्लिश का वाक कौन सा आता है, इंट्रापर्सनल। दोस्तों हम कहते हैं इंटरनेशनल यानी कि दूसरे देश, इंट्रापर्सनल यानी खुद के देश के अंदर, आप इस तरीके से इसे समझ सकते हैं। तो इंट्रा जिसमें आ जाएगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए इंटरपर्सनल नहीं होगा, इंट्रापर्सनल स्किल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अंतरा व्यक्ति। दोस्तों ये अंत्य व्यक्ति भी आ रहा है इसके अंदर, तो दोस्तों आप हिंदी और इंग्लिश में डिसमिस हो सकता है दोस्तों, तो आप इस पर देखिए बोनस लगाते हो क्या करते हो, इसके अंदर क्या मिलता है दोस्तों हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों, इसमें क्या है, भिन्नता है। देखिए अंतर व्यक्ति का गया इसमें, तो देख लेगा ना ये, बाकी इसका सही आंसर दो ही माना जाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का प्रक्षेप है, विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास और उसके अपने भाग्य का चयन, स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों पर समता पर बल देता है दोस्तों। देखिए व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, सामाजिक और मानवतावादी। दोस्तों ये क्वेश्चन अगर कोई नहीं पढ़ के गया है तो भी इसे सही कर सकता है। व्यक्तिगत विकास, देखिए व्यक्तिगत विकास में दोस्तों संज्ञानात्मक आएगा नहीं, और ना ही सामाजिक आएगा, और ना ही व्यवहारिक आएगा दोस्तों। जहाँ पर अपने भाग्य की चयन की स्वतंत्रता हो, सकारात्मकता हो, वहाँ आता है दोस्तों क्या, मानवतावादी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मानवतावादी। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए साथियों, एक विद्यार्थी एक कोर्स को परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करता है, कौन सा उदाहरण है, सृजनात्मकता का, अच्छी आदत का, उच्च बुद्धि का, वही अभिप्रेरणा का। दोस्तों अगर कोई भी विद्यार्थी देखिए उसको एग्जाम में अगर बोले कि अगर तू फर्स्ट आएगा तो तेरे को स्कूटी दी जाएगी, तो दोस्तों ये क्या हो गई दोस्तों, इसके लिए वही अभिप्रेरणा हो गई। इसी के अंदर दोस्तों क्या, अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए क्या कर रहा है, कठिन परिश्रम कर रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा। ये क्या है दोस्तों, कठिन अच्छे ग्रेड क्या है दोस्तों, इसकी बाह्य अभिप्रेरणा है। 74 में देखिए, निम्नलिखित में बीके पासी द्वारा सामान्य द्वारा निर्मित सृजनात्मकता परीक्षण का उप परीक्षण है दोस्तों। इसमें पूछा बीके पासी, और सेकेंड पेपर में पूछा था दोस्तों बारकर मेहंदी, ठीक है। ये दोनों दोस्तों सृजनात्मकता के भारतीय परीक्षण है, क्या है, भारतीय परीक्षण है। तो दोस्तों देखिए इसमें बीके पासी द्वारा क्या दिया गया था, देखिए दोस्तों समस्या अवलोकन बिल्कुल दिया गया था, सामान्य उपयोग परीक्षण ये भी दिया गया था, अच्छा परिणाम परीक्षण ये भी दिया गया था, जिज्ञासा परीक्षण ये भी दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य उपयोग परीक्षण। दोस्तों सामान्य नहीं दिया गया था, क्या दिया गया था दोस्तों, सृजनात्मकता असामान्य परीक्षण के लिए
के लिए किया जाता है दोस्तों, तो उसका सेकेंड नंबर आंसर सही हो जाएगा। इसके लिए सामान्य नहीं होता है दोस्तों, कौन सा? असामान्य उपयोग परीक्षण। तो दोस्तों इसके अंदर क्या है? ऑप्शन नंबर दो इसका करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान सुझाते हैं। देखिए दोस्तों, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, देखिए स्वयं के लिए अधिगम को अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, उसके माता पिता को उच्च आकांक्षाओं को याद दिलाना, दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट हो गया दोस्तों, ये तो हो ही नहीं सकता। पुरस्कार के लिए प्रतियोगी प्रवृत्ति, दोस्तों पुरस्कार एक नेगेटिव हो गया। जहाँ तक संभव हो सके उसके सहपाठी शिक्षक नियुक्त करना, दोस्तों ये भी नहीं है। देखिए दोस्तों, अगर इंटरनल मोटिवेट होगा तो वो क्या है दोस्तों? प्रतिभाशाली बालक हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन, ठीक है। अधिगम के लिए प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना स्वयं के लिए, यानी कि जब वो अंदर से खुद मोटिवेट होगा तो दोस्तों वो अधिगम प्राप्त करने में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन वन हो जाएगा। एक व्यक्ति की एक उत्पाद के प्रति अभिवर्ती लक्षित एवं वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित है, अभिवृद्धि का ये कौन सा घटक है? देखिए, व्यक्ति एक उत्पाद के प्रति वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में सोचता है और विश्वासों पर आधारित है दोस्तों, तो दोस्तों ये इसमें दिख रहा सीधा सीधा भावनात्मक है। ये कौन सा गुण है दोस्तों? भावनात्मक गुण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? भावनात्मक। अपने स्वयं के प्रति आंतरिक विचारों, भावनाओं, क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्म प्रत्यय का दृष्टिकोण है दोस्तों। क्या दोस्तों? अपने स्वयं के प्रति, तो स्वयं के प्रति आंतरिक विचारों एवं भावनाओं, दोस्तों जब अपने आंतरिक विचार और अपने भावनाएं व्यक्त की जाती है तो दोस्तों वो कौन सा होता है दोस्तों? सामाजिक तो होगा नहीं दोस्तों, आश्रित भी नहीं होगा, न ही आत्मनिर्भर होगा। तो ये क्या है दोस्तों? एक स्वतंत्र विचार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वतंत्र। 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रसामान्य विवरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M16 यानी कि प्लस माइनस के बीच आएंगे? तो दोस्तों देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का दोस्तों वक्र कैसा होता है दोस्तों? ऐसा होता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है दोस्तों? ये एम प्लस माइनस 16, तो ये यहाँ और इसके बीच में दोस्तों कितने प्रतिशत सीमा वाला आएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 68.26। यह था 78 नंबर क्वेश्चन। ये थे दोस्तों साइकोलॉजी से संबंधित 20 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और अपना लास्ट में जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दे, ताकि हम जो भी शिक्षक से संबंधित। तो साथियों, ये थे साइकोलॉजी से संबंधित सारे क्वेश्चन जिसने हमने विस्तार पूर्वक देखा। तो साथी, वीडियो को अंत में जाते हुए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।